आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्रीकल्चर के वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग के रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट इससे क्या मेजर किया जाता है। ओके, तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए हम उन्हें एक साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ए से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें यहाँ रिप्रेजेंट किया है। और भी अगर आप कभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, अगर आप इस तरह की लिस्ट बनाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से ही अल्फाबेटिकली उन्हें अरेंज करते हुए याद करने की कोशिश करें, आप उन्हें आसानी से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले ए पे अगर हम देखें तो एल्टीमीटर का नाम सबसे पहले आता है। एल्टीट्यूड से समझ आता है, एल्टीमीटर क्या करता होगा, हमें एल्टीट्यूड या हाइट मेजर करके बताता है, यानी मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड एल्टीट्यूड। इनकी जो तस्वीरें हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे दिखते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आप, एल्टीमीटर ऐसा दिखता है, एनेरॉइड बैरोमीटर ऐसा होता है, एनीमोमीटर इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। एनीमोमीटर मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेमस इंस्ट्रूमेंट है, हर इंसान जानता है इसके बारे में। एटमोमीटर है ये है एरोमीटर, और साथ में ऑक्सैनोमीटर जिसे हम क्रिस्कोग्राफ भी कहते हैं। तो इनके क्या काम है इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने जाना एल्टीमीटर जो है वो एल्टीट्यूड और हाइट नापने के काम आता है। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अबोव सी लेवल, राइट। नेक्स्ट इज एनेरॉइड बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या होता है, प्रेशर नापना। तो हम कहेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर नापता है ये, जैसे हम कह सकते हैं एयर प्रेशर नापता है। एनीमोमीटर का मतलब ये हुआ कि ये विंड स्पीड या विंड प्रेशर को मेजर करता है। स्पेसिफिकली विंड स्पीड पे क्वेश्चन कई बार आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो विंड से रिलेटेड दो इंस्ट्रूमेंट कई बार याद होते हैं हमें, एक एनीमोमीटर होता है, एक विंड वेन होता है। तो विंड वेन के बारे में भी आप जानते होंगे, उसके बारे में उसका नाम भी एंड में आएगा, राइट। तो एटमोमीटर जो है उसके अंदर हम देखते हैं एटमोस्फेयर से रिलेटेड कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हम कहेंगे कि ये मेजर करेगा द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम अ वेट सरफेस टू द एटमोस्फेयर। और स्पेसिफिकली हम ये कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ द लीफ टेम्परेचर। तो दो इसके मेजरमेंट के रूप में हमें याद रखनी है बातें। पहला है लीफ टेम्परेचर मेजर करता है, साथ में मेजरमेंट मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवेपोरेशन। वाटर का इवेपोरेशन कैसे हो रहा है किसी लीफ पर या किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, तो उसके बारे में हमें बताता है एटमोमीटर। नेक्स्ट है एरोमीटर। एरोमीटर मतलब जो एयर की डेंसिटी नापता है। एरो का मतलब ही क्या हुआ, एरोसोल, इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो मेजर द डेंसिटी अमॉन्ग अदर पैरामीटर्स, हम कहेंगे एयर एंड सम गैसेस। नेक्स्ट है ऑक्सैनोमीटर, जिसे हम क्रिस्कोग्राफ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आ सकता है क्रिस्कोग्राफ, जिसे हम कह रहे हैं। ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ को नापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ नापने के लिए इसे हम काम लेते हैं क्रिस्कोग्राफ को। एरोमीटर एयर से रिलेटेड गैसियस फॉर्म की डेंसिटी नापने में आपने देखा। एटमोमीटर जो कि आपने जाना कि ये एटमोस्फेयर में इवेपोरेशन की रेट को नापने में काम आता है, है ना। और आपने ये प्रेशर से रिलेटेड देखा, विंड की स्पीड से रिलेटेड एनीमोमीटर को जान लिया। तो इस तरह से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट जाने हैं। अब और आगे बढ़े तो हम देखते हैं अटरबर्ग्स एपरेटस, अटरबर्ग्स लिमिट्स। अटरबर्ग्स लिमिट्स के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि प्लास्टिसिटी जो होती है सॉइल की, वो हम देख सकते हैं अटरबर्ग्स लिमिट्स के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। तो अटरबर्ग एपरेटस क्या, अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें कलेक्टिवली एपरेटस कह दिया गया है। तो वो किस लिए काम में ली जाएंगी, मेजरमेंट ऑफ सॉइल प्लास्टिसिटी। स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं सॉइल प्लास्टिसिटी नापने में काम आता है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। ग्राफ वर्ड जब भी आए तो उसे हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस, जब कुछ कंटिन्यूअस नापना होता है तब यहाँ ग्राफ वर्ड यूज किया जाता है। तो कंटिन्यूअस प्रेशर नापने के लिए हम बैरोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूफर्ट स्केल, जो हम देखते हैं विंड फोर्स इन द सी, सी के ऊपर विंड फोर्स के लिए ब्यूफर्ट स्केल होता है। क्रायोमीटर इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड आपने सुना होगा, तो क्रायो वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, वेरी लो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कैम्बेल स्टॉक रीडर। कैम्बेल स्टॉक रीडर ऐसा होता है जो कि मुझे लगता है कि काफी फैशनेबल सी इसकी डिजाइन होती है, देखने में काफी अट्रैक्टिव होता है। तो कैम्बेल स्टॉक रीडर क्या है, ये सनशाइन ड्यूरेशन को नापता है, अभी इसकी तस्वीर देखेंगे हम। नेक्स्ट है कैसाग्रेंड एपरेटस। देखिए ये अटरबर्ग एपरेटस जैसा ही है, कैसाग्रेंड एपरेटस। तो कैसाग्रेंड स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रूमेंट है अटरबर्ग के अंदर, मुझे लगता है कि कलेक्टिवली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को कह दिया जाता है अटरबर्ग एपरेटस। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि इसकी मैंने वर्किंग भी आपको पिछले वीडियोस में समझाई है कैसाग्रेंड एपरेटस की, जैसे कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक
पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है कैसा ग्रैंड अपरेटस, सारे कलेक्टिवली मुझे लगता है हेटरबग अपरेटस कहे जा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सॉइल की प्लास्टिसिटी से रिलेटेड होता है, मैं इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं हम तब इस तरह से ये काम में लिया जाता है। तो अगर हम देखें ये जो कैसा ग्रैंड अपरेटस है, ये मेजरमेंट काम किया जाता है इससे अपर प्लास्टिक लिमिट UPL जिसे हम कह सकते हैं, लिक्विड लिमिट काम के मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। क्लिनोमीटर जो है वो एंगल के लिए काम में लिया जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए है। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपरेटस इस तरह से है, बैरोग्राफ इस तरह से है, बैरोग्राफ कंटिन्यूस ग्राफ नापने में काम आता है, क्रायोमीटर आपने समझा ज्यादा ही कम टेम्परेचर नापने के लिए, और ब्यूफर्ड स्केल देखिए जो है, इमेज आपको नजर नहीं आ रही होगी तो अच्छे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस स्केल पे अलग अलग आपको वैल्यूज दिखेंगी, 1, 2, 3, 4 हर चीज कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि यहाँ लाइट एयर और इस तरह से स्पेसिफिकली हर जगह कुछ ना कुछ मेंशन किया जाता है, तो इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमें ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए ब्यूफर्ड स्केल के रूप में। नेक्स्ट ये जो मैं कह रहा था फैंसी सा होता है और कई लोगों ने देखा होता है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो इसके बारे में भी आप जानते होंगे, इसे हम कहते हैं कैंबल स्टॉक रीडर। तो ये टोटल सनशाइन और को नापने में काम आता है, तो ये सनशाइन से रिलेटेड कई बार इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना है हमें। क्लिनोमीटर जो है पर्टिकुलर डी जो हम बचपन में डी काम में लेते थे उसके जैसा सही है ये, लेकिन इसमें किस तरह से कुछ भार लटका होता है, तो ये एक तरह से एंगल नापने में काम आता है, तो इसे हम कहते हैं क्लिनोमीटर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है रोसोमीटर काम आता है क्वांटिटी ऑफ ड्यू फॉर्म। ड्यू आपने वर्ड सुना होगा, जो पर्टिकुलर पानी की बूंदें जो जमा हो जाती हैं, तो उस तरह से जो ड्यू फॉर्म है उसके मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं रोसोमीटर। डायनेमोमीटर जो होता है फोर्स पावर या ड्राफ्ट की मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। डेंड्रोमीटर मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, डेंड्रोमीटर याद रखिएगा जो कि डायमीटर नापने में काम आता है। डेंड्रोमीटर डायमीटर किसका, तो हम देख रहे हैं स्टैम्प या ट्रंक का, कोई बड़ा सा पेड़ है उसका डायमीटर नापना है तो उसके लिए डेंड्रोमीटर काम में लेते हैं। फैदोमीटर जो है वो काम में लिया जाता है साउंड ऑफ अंडरग्राउंड वाटर के साउंड के लिए फैदोमीटर काम में लेते हैं। इवेपोरीमीटर इंपॉर्टेंट है, जैसे हम आपको ट्रांसपोरेशन से रिलेटेड है ऑफकोर्स। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिमिलर से नाम है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हाइग्रोमीटर के लिए ही एक और टर्म यूज की जाती है, जैसे हम कहते हैं साइक्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को और नाम क्या दिया जाता है, साइक्रोमीटर। तो साइक्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने में काम आता है, जबकि हाइड्रोमीटर ड्री आ जाए तब उसे हम कहेंगे ये रिलेटिव डेंसिटी नापने में काम आता है। ओके, तो आई थिंक ये आपको याद हो जाएंगे दोनों, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी इमेजेस, तो ये है डायनेमोमीटर, ये है डेंड्रोमीटर। डेंड्रोमीटर का आप लोगों को मतलब समझाया था, डायमीटर नापने में काम आता है जो कि पेड़ का। नेक्स्ट है फैदोमीटर जो अंडरग्राउंड वाटर के साउंड नापने में काम आ रहा है। वेपोरीमीटर का मतलब आप समझते हैं, जिसके अंदर हम वेपोरेशन की रेट नाप सकते हैं। हाइग्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी नापने में काम आ रहा था जो, और हाइड्रोमीटर देखिए स्पेसिफिकली ये ट्यूब जो है इसे हाइड्रोमीटर कहा गया है, और ये पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर इसे रखा गया है, तो ये पर्टिकुलर क्या काम लिया जाता है, तो हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी नापने में काम आता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए है, ये रिलेटिव डेंसिटी के लिए है। साइक्रोमीटर भी कहा गया है हाइग्रोमीटर को, ये बात आपने नोट कर ली, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हेलियोग्राफ मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है, ये आ चुका भी है कई बार एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम कहें हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन ऑर्स, तो ये ब्राइट सनशाइन, ब्राइट वर्ड याद रखना जरूरी है, कि ब्राइट सनशाइन ऑर्स के लिए हेलियोग्राफ काम में लिया जाता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो भी हो वो टेम्परेचर नापेगा, तो इंफ्रारेड जो है वो कैनोपी टेम्परेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। एरोमीटर या टेंशियोमीटर तो हर इंसान को पता होता है, लेकिन एरोमीटर वर्ड भूल जाते हैं, एरोमीटर वर्ड याद रखना जरूरी है इसका नाम, क्योंकि ये इरिगेशन की शेड्यूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसे एरोमीटर कह देते हैं। तो उसका काम क्या है, सॉइल वाटर टेंशन या सॉइल वाटर पोटेंशियल नापने में काम आता है। कितनी लिमिट होती है, क्या आपको याद है बार्स के अंदर, अगर टेंशियोमीटर की बार्स वाली लिमिट अगर आपको याद है, सॉइल मेजरमेंट वाला जो हमने वीडियो कवर किया था उसकी लिमिट अगर आपको पता है कि सर इससे अगर ज्यादा टेंशन हो तो ये टेंशियोमीटर हम काम में नहीं ले सकते, तो ऐसे भी स्पेसिफिक लिमिट जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हम देखें इनफिल्ट्रोमीटर जो है वाटर की इनफिल्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैक्टोमीटर नाम से समझ आता है, लैक्टो मतलब मिल्क से रिलेटेड कुछ होगा, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए होता है ये। लक्स मीटर जो है लाइट की इंटेंसिटी नापने में काम आता है। और लाइसीमीटर जो की लीचिंग मतलब पानी का नीचे की तरफ चला जाना, तो वाटर लॉस के लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइसीमीटर। इनकी तस्वीरें देखें, इस तरह से होता है हेलियोग्राफ, इस तरह से है इनफिल्ट्रोमीटर, एक डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर भी होता है इसमें, उसमें दो तरह की रिंग, एक बड़ा डायमीटर वाली रिंग, एक छोटी डायमीटर वाली रिंग होती है, तो वो भी इनफिल्ट्रेशन की रेट के लिए ही होता है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए भी नाम यूज किया जाता है वहां। और लाइसीमीटर का मतलब आपको समझाया, जैसे कि
नीचे की तरफ जो पानी जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है लाइसीमीटर, यानी लीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है लाइसीमीटर। इंफ्रारेड जाना था जो पर्टिकुलर कैनोपी का टेम्परेचर नाप सकता है। एरोमीटर, ये टेंशियोमीटर आप जानते ही हैं, लैक्टोमीटर मिल्क से रिलेटेड है, और लक्स मीटर जो आपने जाना लाइट की इंटेंसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर सॉइल साइंस की लैब के अंदर अगर आपने कभी गलती से कदम रखा है तो पिक्नोमीटर जरूर देखा होगा, आरडी बॉटल भी इसे कह देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी नापने में काम आता है पिक्नोमीटर जो है वो, हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ लिक्विड। तो ठीक है, स्पेसिफिकली हम कहें सॉइल साइंस के अंदर तो क्या कहेंगे, सॉइल स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, है ना। यहाँ बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो याद रखना पी से पिक्नोमीटर, पी से पार्टिकल डेंसिटी दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर प्लेट अपरेटस, इसका नाम भी जरूरी है, ये काम में लिया जाता है फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नापने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप पर हेलियोमीटर। अब ध्यान रखिएगा पी से रिलेटेड कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम पी से शुरू हो रहा है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेसिफिकली ये जिनके नाम पी वाई आर से शुरू हो रहे हैं, पायर हेलियोमीटर, पायर रेडियोमीटर, पायर रेनोमीटर, पीजोमीटर, है ना। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो याद रखिएगा पायर हेलियोमीटर जो है मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के लिए है, पायर रेडियोमीटर जो है वो बोथ सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए है, पायर रेनोमीटर जो है वो किसके लिए, टोटल इनकमिंग रेडिएशन के लिए है, और साथ में प्लेनीमीटर नाम समझ आता है प्लेन कर देगा कुछ, तो यहाँ कहेंगे एरिया ऑफ इररेगुलर सरफेस। इररेगुलर सरफेस का सरफेस या इररेगुलर प्लेन जो है उसका हम, प्लेन का मतलब ये हुआ किसी एरिया के मेजरमेंट के लिए काम आता है, और पीजोमीटर का मतलब याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है अंडरग्राउंड वाटर प्रेशर के लिए, अंडरग्राउंड में कितना पानी है, कितना ऊपर तक है वाटर टेबल, उसके लिए काम में लेते हैं पीजोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजोमीटर कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है और इस साल जो एग्जाम्स होने वाले हैं आईसीएआर के उसमें भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद रखेंगे। तो इस तरह से इनकी इमेजेस हैं, ये है आरडी बॉटल, पिक्नोमीटर जो आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी, प्रेशर प्लेट अपरेटस इस तरह से दिखाई देते हैं, पर हेलियोमीटर जो इंपॉर्टेंट है मैंने कहा पर हेलियोमीटर, और इस तरह से नाम जो इसकी वर्किंग भी यहाँ कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, तो याद रखेंगे पर हेलियोमीटर, पर रेनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, प्लेनोमीटर जो पर्टिकुलर इरेगुलर एरिया के मेजरमेंट के लिए होता है, पीजोमीटर ये अंडरग्राउंड वाटर की डेप्थ देखने के लिए काम लेते हैं, तो पीजोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर इमेज नजर नहीं आ रही हो तो एक बार के लिए मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको देख सकें कि पीजोमीटर इस तरह से कुछ दिखाया गया है। ओके, चलिए यहां तक हमने देखे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, और अगर बात करें तो वो है पोटोमीटर, मतलब पी वाले अभी भी खत्म नहीं हुए। तो पोटोमीटर क्या है, जो ट्रांसपीरेशन के लिए काम में लिया जाता है, पोटोमीटर भी कई बार एग्जाम में आया है तो इस बार भी आ सकता है, तो याद रखना पोटोमीटर ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड है, इसका दूसरा नाम ट्रांसपायरोमीटर है, तो वो तो ईजी है। पोरोमीटर पोर से रिलेटेड होगा, पोर से रिलेटेड होगा तो स्टोमेटल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। परमीमीटर जो परमीबिलिटी नापेगा, परमीमीटर भी दो तरह के होते हैं, इंपॉर्टेंट है परमीमीटर, इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो परमीमीटर जो है दो तरह के होते हैं, एक कॉन्स्टेंट हेड होता है, एक फॉलिंग हेड होता है, तो अल्टीमेटली हमें दोनों याद रखें, दिमाग में ये रखना है कि परमीमीटर का मतलब ये है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर जो है वो किसके काम में लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ लीफ और सॉइल वाटर पोटेंशियल या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मेथड, ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो कवर किया है, अगर आप इसके बारे में डेप्थ में चीजें देखना चाहें तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है थर्मोकपल साइक्रोमीटर। थर्मोकपल स्पेसिफिकली याद रखना है ये वेपर पोटेंशियल के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो है क्वांटम सेंसर्स जो कि काम में लिए जाते हैं PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को नापने के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनकी तस्वीरें हैं पोरोमीटर इस तरह से, स्पेसिफिकली पोर्स यानी स्टोमेटल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटोमीटर नाम समझ आया आपको कि यहाँ ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड, पॉट पॉट के अंदर पौधा लगाया जाता है तो फोटो, यहाँ से याद रखना है कि पौधे का ट्रांसपीरेशन नापना है तो फोटोमीटर काम में लेते हैं। पेनिट्रोमीटर आपको जैसा कि बताया फॉलिंग हेड भी हो सकता है, कांस्टेंट हेड भी होता है, लेकिन काम की बात यह है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी नापने में काम में लेते हैं। साइक्रोमीटर का मतलब आपने समझा कि इसके अंदर पता होना चाहिए, साइक्रोमीटर के अंदर दो हम देख सकते हैं इस तरह से बल्ब लगे होते हैं, एक ड्राई बल्ब होता है एक वेट बल्ब होता है, इनका काम क्या है, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब दोनों मिलकर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें इन्हें याद रखना है। ODR का मैकेनिज्म भी मैं पिछले वीडियोस में कभी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वैसे जनरली एग्जामिनेशंस के लिए ODR की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट नापने में काम आता है ODR मेथड, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मेथड, तो इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है थर्मोकपल साइक्रोमीटर जो कि आप यहाँ देख सकते हैं वाटर वेपर के लिए, तो ये डायग्राम बस इजीली रिप्रेजेंट किया है ताकि आपके दिमाग में इमेज सेट हो सके कि थर्मोकपल साइक्रोमीटर जो है वाटर वेपर की कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो वो है
रेनगॉज, रेनगॉज हर इंसान जानता है कि ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लिए है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम देखते हैं कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं सॉइल के सैंपल्स के अंदर या प्लांट्स से रिलेटेड जो सैंपल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन नापने में काम लिया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, बच्चा बच्चा जानता है सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक के मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं, बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है स्किंटिलोमीटर, स्किंटिलोमीटर जो है वो सेंसिबल हीट नापने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोग्राफ, थर्मोग्राफ जब भी ग्राफ वर्ड यूज किया जाता है मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस कुछ आएगा, तो कंटिन्यूअस मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर के लिए थर्मोग्राफ है। विंड वेन जो बहुत वर्ड फेमस है, हर इंसान जानता है कि ये विंड की डायरेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ओके, तो यहाँ दो टर्म्स भी बहुत फेमस होती है, एक होता है लीवार्ड एक होता है विंडवार्ड, है ना, इनके मतलब आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लीवार्ड मतलब कहां से कहां जा रही है विंड, इस तरह की चीजें आपको बताया तो बताइएगा। चलिए फोटोज में देखें तो इस तरह के रेन गॉज होते हैं जो ऑटोमेटिकली बताते हैं कि कितनी बारिश हुई है, तो उसके अमाउंट बताते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के लिए होता है। फ्लेम फोटोमीटर सोडियम पोटेशियम इस तरह के एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन भी नापी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन भी निकाला जाता है इसमें। चलिए खैर, सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किंटिलोमीटर आपने जाना कि रेडिएशन हीट रेडिएशन से रिलेटेड था, और थर्मोग्राफ कंटिन्यूस टेम्परेचर नापने के लिए था, राइट। तो इस तरह से हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जान लिए, और आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले के वीडियोस हैं उनमें सबसे पहला वीडियो जो था उसमें हमने फॉर्मूला और साथ में इक्वेशंस जाने, नेक्स्ट में हमने यूनिट्स एंड कांस्टेंट जाने, और कुछ ये जो टॉपिक है अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वीडियोज हैं ये तीनों वीडियो सॉइल साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट जो है ICAR के GRF SRF ASRB NET उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वीडियो जो है इंस्टीट्यूट्स वाला वो हर एग्जामिनेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उनको किस तरह से याद कर सकते हैं आप एक साथ वो मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, एंड आई रियली होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरनेशनल ईयर्स को कवर करेंगे, 2004 से 2027 तक डिसाइड हो चुके हैं कि कौन सा साल क्या मनाया जाएगा। 2024 जानते होंगे आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ, आ रहा होगा आपके दिमाग में, आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन सभी को एक लिस्ट के रूप में एक अच्छे तरीके से हमें याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। We'll be right back.